दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों आरओ का पेपर था, उम्मीद करता हूं आप सभी का पेपर बड़ा अच्छा गया होगा। 22 नवंबर के पेपर का सलूशन लेकर हम मैं हाजिर हूं आपके सामने, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए थे, मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग सही के होंगे, लेकिन पेपर बड़ा ही बेहतरीन था। जो लोग आसान समझ रहे हैं, मैं अभी उनकी गलतियां गिनाना शुरू करूंगा कि पेपर में आपने क्या क्या गलतियां करके रखी हुई है, ठीक है। आज ये सामान्य अध्ययन का पेपर है, सीरीज नंबर सी है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन मैच कराइए, सीरीज की फिक्र मत कीजिए, ठीक है। और हिंदी का सलूशन दोस्तों आप सभी को मिल चुका होगा, आप जाके वहां से मैच करा सकते हैं। ये आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी फसल रवि की फसल का उदाहरण नहीं है, कौन सी फसल रवि की फसल का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। रवि की फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सोचकर समझकर आराम से इत्मीनान से उत्तर दीजिए, कौन सा उदाहरण नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो गेहूं हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, सब रवि की फसल का उदाहरण है। जो मूंगफली होती दोस्तों, मूंगफली खरीफ की फसल का उदाहरण होती, खरीफ जायद मत बोलिएगा, जायद में क्या जाता है, ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, जो पानी वाले होते हैं वो जायद में आते हैं, ठीक है। ये सब आपको पढ़ाया गया, बोलो मैं पढ़ाया हूं कि नहीं, नहीं विश्वास है तो जाकर के आप ज्योग्राफी की सीरीज देख लो, उसमें टॉपिक आपको मिल जाएगा, रवि खरीफ जायद डिटेल से पढ़ाया गया। नहीं मिलेगा तो आज ही कमेंट करके देख लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे पता था आप में से इसका उत्तर ज्यादातर लोगों ने सही किया होगा, बी वाला ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में कहां पर है दोस्तों, याद रखिएगा, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना किसका, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। यह काफी अच्छा प्रश्न था और यहां पर लोगों ने गलतियां की होंगी, लेकिन गलती अगर किए होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है। सन 2000 में दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया, देखिए कई लोगों ने इसको राष्ट्रगान भी समझा होगा, अच्छी बात है, आप चाहे राष्ट्रगान समझ लो चाहे राष्ट्रगीत समझ लो, संजोग अच्छा था कि दोनों को एक ही टाइम पे एक्सेप्ट किया गया। राष्ट्रगान क्या है, जब आप पढ़ते हो जनगणमन, ठीक है, तो ये जनगणमन क्या होता है दोस्तों, ये आपका राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगीत क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं वंदे मातरम, क्या पढ़ते हैं, वंदे मातरम, ठीक है। याद रखेगा, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, जबकि वंदे मातरम की रचना किसने किया था, बंकिम चंद चटर्जी जी ने किया था। और दोनों को एक्सेप्ट किया गया था कब, 24 जनवरी 1950 को, कब 24 जनवरी 1950, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर को संविधान सभा के द्वारा विधान को एक्सेप्ट किया गया था, ये अलग हो जाएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट, किस वर्ष प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। पहले दोस्तों ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती थी, कितनी, 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अभी ग्रहों की संख्या केवल कितनी बची, 8। क्यों, क्योंकि जो लास्ट में अरुण वरुण यम पढ़ते थे, यम का ही दूसरा नाम था प्लूटो, ठीक है, और प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया सन 2006 में। क्यों बाहर कर दिया गया, क्योंकि दूसरे ग्रह के परिक्रमा जो रास्ता होता था, उस परिक्रमण रास्ते को क्या कर देता था, काट देता था, इसलिए ग्रहों की परिभाषा से बाहर हो गया। यह बौना ग्रह या कभी कभी से क्षुद्र ग्रह का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। 2006 में इसको बाहर किया गया था। यह भी ज्योग्राफी में 100 बार मैं आपको बता चुका हूं, बताया हूं कि नहीं, आप बोलो, सीधे सीधे बोल रहा हूं, ठीक है। तो 2006 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में किस उत्सव का आयोजन किया जाता है, ज्यादातर लोगों ने गंगा महोत्सव किया, अरे यार गंगा महोत्सव मिर्जापुर में नहीं होता है, मिर्जापुर कजरी के लिए फेमस है। यह प्रश्न आपकी यूपीएससी परीक्षा में कई बार आ चुका है, ठीक है, आपसे उल्टा सीधा प्रश्न भी पूछता रहता है कि कजरी कहां पर होती है, तो आप बताते हैं मिर्जापुर में। इस बार उल्टा पूछ लिया कि मिर्जापुर में कौन सा महोत्सव होता है, तो क्या बताएंगे, कजरी, कजरी, कजरी महोत्सव कहां होता है, ये मिर्जापुर में। तो यहां पर छठे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर है, नाग, नाग दोस्तों एक जो मिसाइल है, ये एंटी गाइडेड बोलते हैं इसको, ठीक है, नाक को याद रखेगा। इस मिसाइल में बहुत फेमस हेलीकॉप्टर एक आता है जिसका नाम है हेलिना, क्या नाम है, हेलिना, हेलिना ने की रब से फरियाद, अरे मैं आपको परमाणु क्रमांक नहीं याद करा रहा हूं, ठीक है, तो याद रखे दोस्तों हेलिना, हेलिना एक और नाम हम लोग सुनते, हेलिना ही, हेलेना नाम पढ़ते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, अरे सेल्यूकस की बिटिया थी, 305 BC में जब लड़ाई करने के लिए आया था, कौन, सेल्यूकस, जो सिकंदर का मित्र था, जब उसने भारत पर हमला किया था उस समय मौर्य वंश में
चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुआ करते थे और उनसे इनका विवाह कराया गया था। किसका? अपनी पुत्र हेलेना का। खैर वो अलग विषय है, हमारे टॉपिक से बाहर का है। तो याद रखेगा ये जो नाग मिसाइल की बात कर रहा है ये किस हेलीकॉप्टर संबंधित है, तो हेलेना हेलीकॉप्टर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 2020 में टाइम टू केयर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा, किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था? टाइम टू केयर रिपोर्ट, बताइए। अब मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों ने यही पर गलतियां की होंगी। ठीक है, अभी तक 6-7 क्वेश्चन आपको काफी आसान मिला जो आप लोग हो सकता है सही कर दें। यहां से गलती शुरू हुआ होगा, जो लोग आसान मानते थे अपने आसान वाले में एक क्वेश्चन नोट कर लें जो आपने गलत किया होगा। ज्यादातर लोगों ने इसको किया होगा, वर्ल्ड बैंक नहीं किया होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अरे मेरे भाई, अगर आप ऐसे कल्पना किए होते कि आरबीआई क्या है या बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ये तो इस तरह का रिपोर्ट जारी नहीं करेगा। अगर हम बात करें विश्व बैंक का, तो ये तो मदद करता है विकास करने के लिए, जो गरीब देश होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, उनको हेल्प करता है। तो ये भी एक तरह की बैंकिंग कॉर्पोरेशन संस्था है। ठीक है, ये बैंक से संबंधित है, ये किससे संबंधित है? बैंक से संबंधित है। और एशियन डेवलपमेंट भी क्या है? ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये भी आपका बैंक है। तो बैंक कभी इस तरह का केयर रिपोर्ट तो जारी करेगा नहीं, इसके लिए एक एनजीओ है ऑक्सफेम इंटरनेशनल। क्या नाम है? ऑक्सफेम इंटरनेशनल। तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑक्सफेम इंटरनेशनल जो है इसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था, लेकिन आपने कर दिया गलत, पूरा कर दिया चौपट। यहां पर आंसर होगा आंसर नंबर सी, जिन्होंने किया है उनका सही उत्तर है, जिन्होंने नहीं किया है वो भैया जाके अपना समझ सकते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नौवां देखिए, सातवां विश्व शहर शिखर सम्मेलन। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस पढ़े, लेकिन वो नहीं आया। पूछा गया परीक्षा में विश्व शहर शिखर सम्मेलन, ठीक है, और कौन से नंबर का? छठवां वाला भी जिसको याद होगा, या सातवां, दोनों सेम टाइम में होते थे, अक्सर जुलाई महीने में ही कराया जाता है, और इस बार भी ये जुलाई में ही आयोजित कराया गया था। इसका प्लेस था सिंगापुर। कौन सा प्लेस था? सिंगापुर प्लेस था। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न भी मुझे उम्मीद है आप लोग गलत ही करके आए होंगे। ठीक है, अगर अच्छा किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यदि किसी कूट भाषा में स्पोर्ट को क्या लिखा जाए? TPPRU लिख दिया जाए, तो मैच को क्या लिख दिया जाएगा? सिंपल, कुछ नहीं करना है। यहां पर यस के आगे टी होता है। अच्छा, यहां से मैच कराएंगे, कौन सा चेंज हो रहा है? ठीक है, चेंज करने वाला देख लेंगे। यहां पर मैं आपको रीजनिंग नहीं सॉल्व किया हूं, तो मैं चाहूंगा कि रीजनिंग जो है उसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो स्पोर्ट वाला लिख रहा है, यहाँ पर पहला शायद आंसर होगा। ठीक है, एक बार आप मैच करा लीजिएगा, एक बार आप अपने से मैच करा, रीजनिंग के क्वेश्चन का मैं सलूशन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको मैच करा लीजिएगा। तो उसमें पहला वाला था, इस वाले में भी आपका नंबर एक का ही होगा। ठीक है, ये वाला पहला वाला हो जाएगा, एक बार आप मैच करिएगा, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। संजोग अच्छा है, यहाँ भी आपका पहला वाला ही है। ठीक है, पहला वाला ही है। ठीक है, सैंपल देख लीजिए कैसा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का सैंपल था जो इस तरीके से था, और पूछा है जल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो यार जो तीर है वो तो वैसा ही दिखेगा, नॉर्मल तीर है, बस खाली ये जो है ये बदल जाएगा, जो नीचे की तरफ था वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, और ये जल का प्रतिबिंब बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर एक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल नहीं। ठीक है, चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? यस, यही तो मजेदार क्वेश्चन है, चंदेरी की लड़ाई। दोस्तों, बाबर ने जब पहले इब्राहिम लोदी से लड़ाई करने आया, तो उस लड़ाई का नाम क्या दिया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या दिया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, ये बाबर के द्वारा लड़ी गई पहली लड़ाई थी 1526 में। 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया, ये बाबर ने लड़ा था सांगा के साथ, राणा सांगा के साथ बाबर ने लड़ा था, ये युद्ध हुआ था 1527 में। इसके बाद तीसरा युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध। कौन था? चंदेरी का। ठीक है, ये राजा मेदिनी राय का नाम सुना होगा, मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया था 1528 में। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अफगानों के साथ आखिरी युद्ध हुआ था। ठीक है, तो सब याद रखेगा, यहां क्या हो जाएगा? बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध लड़ा गया। बोलो, आपको नहीं पढ़ाया गया था क्या? पढ़ाया गया था। ठीक है, पढ़ाया गया था, सब कुछ पढ़ा दिया गया। स्टडी 91 पूरे यूट्यूब का एकमात्र ऐसा चैनल है जहां सभी विषय को विस्तार से पढ़ाया गया। आप प्लेलिस्ट में आइए और देखते जाइए कि क्या क्या पढ़ाया गया। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1861 में किसके नायकत्व में प्रगतिशील विचारों का समाचार पत्र इंडियन मिरर का आरंभ हुआ? इंडियन मिरर दोस्तों, ये किसके सहयोग से आरंभ हुआ था? इस क्वेश्चन में आप खुलेआम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं, जाके खुलेआम क्लेम कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, याद रखेगा, यहां पर जो दो लोगों का नाम दे रहा है, दोनों आपका राइट आंसर है, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये दोनों लोगों ने मिलकर के, इन दोनों
थोड़े सी कैमरे की प्रॉब्लम आ गई थी, तो याद रखिए इस पर दोनों पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, यहां पर राइट आंसर होने वाला दोनों। वैसे अगर आप देखेंगे सबसे पहले इससे कौन जुड़ा, तो याद रखिए मनमोहन घोष पहले से जुड़े थे, बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर जी भी आकर के इसमें ऐड हो गए। तो यहां 14वें क्वेश्चन में आप ए वाला भी कर सकते हैं। करें अप्रैल 1930, अरे डेट भी मैं बता दे रहा हूं 18 अप्रैल। कहोगे सर आपको कैसे याद है, इतना डेट कैसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है सही में याद है या झूठ बोल रहे हैं? दोस्तों 18 अप्रैल को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है, और अच्छी बात है कि मैंने इसको याद करके रखा था, इसलिए याद है। ऐसे जनरल इतने डेट नहीं याद रहते, हाँ महीना याद रहता है, ठीक है वो सब याद रहता है, लेकिन यहां पर जनरल ऐसे डेट नहीं। 1930 आपको याद रखना, सूर्य सेन का काल है। 1830 में तो राजा राम मोहन राय जी थे भाई, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने किया था ना, वो अलग चीज है। तो याद रखेगा 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने क्या किया था, लूट लिया था, ठीक है सूर्य सेन ने लूट लिया था चित्तगांव। यहां पर चित्तागोंग जो दे रहा दोस्तों ये एक्चुअली में चित्तगांव है, ठीक है चित्तगांव ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो इसको याद रखेगा, सूर्य सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार मांग करता है तो निम्न में से कौन चुनाव में मतदान करने वाले मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है। अच्छा एक बात और बता दूं, यहां पर भी आप डाउट जाकर के कर सकते हैं, डाउट नहीं कर सकते हैं, फिलहाल आयोग ने तो पहले ही कह दिया है कि इंग्लिश वाले प्रश्न मान्य होंगे। यहां पर लिख दिया कि अगर चुनाव में, किस चुनाव में ये नहीं बता रहा आपको, किस चुनाव की बात कर रहा है ये आपसे नहीं बताया जा रहा, ठीक है, और आप इंग्लिश वाला जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ लोकसभा चुनाव, ये मिसप्रिंट है यार, पता नहीं आयोग में कौन ऐसा है यार, कौन पेपर बनाता है समझ में नहीं आता, मतलब वो 150 क्वेश्चन नहीं बना सकते, ऐसे लोगों को वहां पर बिठाया गया है, क्या यार देश क्या हो गया है। ये वीडियो यार आप लोग आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, मतलब देश का कुछ समझ में नहीं आता, 500 क्वेश्चन ये लोग ना कायदे से टाइप करा सकते हैं ना कायदे से दे सकते हैं, क्या जरूरत है बोलने की यार कि इंग्लिश में मान्य होगा, 50 क्वेश्चन तुमसे सही नहीं होता है, हाँ बताओ। यहां हिंदी में कहीं नहीं लिखा, आप इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर लोकसभा लिखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन पे, करें अगर चुनाव में कोई उम्मीदवार मांग करता है तो निम्न से कौन चुनाव में मतदान करने वाले का पुनर्गणना का आदेश दे सकता है। आदेश देने का काम देखिए उस पर्टिकुलर निर्वाचन क्षेत्र का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, वो इससे संबंधित क्या कर सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है। यहां पर एक्शन लेने का काम किसका होगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। अब केंद्र राज्य संबंध के लिए कौन है, सबसे फेमस है सरकारी आयोग, पता नहीं कितने साल से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग, ठक्कर आयोग बड़ा स्पेशल है। ठक्कर आयोग का नाम सुना आपने, सुना होगा शायद, पढ़ाया गया आपको, इंदिरा गांधी जो हत्याकांड हुआ था ये उससे संबंधित है, इंदिरा गांधी हत्याकांड से। आयोग का नाम भी सुना होगा, ये इमरजेंसी जब लगी थी दोस्तों ये इमरजेंसी से संबंधित है, ठीक है। और संथानम आयोग दोस्तों ये भ्रष्टाचार से संबंधित है, ठीक है। तो आयोगों का नाम याद रखिए, ठीक है, कौन किस लिए बनाया गया था, लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीपों को। ये कुछ बच्चों ने इसको गलती से गलत कर दिया, बोला सर गलत नहीं करना चाहते थे, इंटेंशन गलत नहीं था, गलती से गलत हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए तीन ही चार तो क्वेश्चन बनते हैं, 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री। 10 डिग्री वाला सबसे आसान है, यह अंडमान निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री वाला भी आसान है दोस्तों, यह भी लक्षद्वीप से संबंधित है और यह वाला भी लक्षद्वीप से संबंधित है। अंतर इतना है, यह लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, मालदीव जो अलग देश है, यह लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है। और आपसे परीक्षा में पूछा क्या था, मिनिकाय पूछा था। तो यहां पर 9 डिग्री चैनल आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9 डिग्री चैनल। सिंपल है, बस इतना ही बात था, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया झील, क्या मजेदार क्वेश्चन है विक्टोरिया झील का। भैया विक्टोरिया झील अफ्रीका की एक ऐसी झील है जहां से दुनिया की सबसे लंबी नदी निकलती, कौन सी है, नील नदी, जिसे अफ्रीका की गंगा कहा जाता है, ठीक है। नील नदी वो यहीं से निकलती, विक्टोरिया झील से, पढ़ाया गया आपको, बोलो पढ़ाया गया कि नहीं। तो याद रखेगा ये कहां की झील है, अफ्रीका की। ज्यादातर लोगों ने पता नहीं कौन सा देश टिक करके आया, ठीक है, यहां पर अफ्रीका आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिजनौर से होकर बहती है, अरे भारत की बात करें बिजनौर से, अरे बिजनौर के पास से ये यमुना नदी निकल के आती है बिजनौर होते हुए, और फिर उधर निकल जाती है आपकी, क्या नाम है यार बहुत फेमस है, कौसाम्बी, और फिर इलाहाबाद होते हुए आकर के गंगा से मिल जाती। तो बिजनौर के पास से कौन सी नदी है, याद रखेगा यमुना नदी। गोमती नदी के किनारे दोस्तों जौनपुर स्थित है, जौनपुर स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है गोमती नदी किनारे, ये सब याद रखेगा, ठीक है। और बाकी घाघरा गंगा से आप सभी वाकिफ है, ठीक है। करण लिखित स्मारकों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है, देखिए सांची का स्तूप दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चार मीनार आपके हैदराबाद में है, कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है, ठीक है। याद रखेगा नाहरगढ़ ये आपके राजस्थान में, नाहरगढ़ भूतिया कीड़ा है, ठीक है। और हम्पी दोस्तों ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है। ये कहां पर है, ये कर्नाटक में है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाहरगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए,
अगला देखिए, कह रहा है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है? कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन दोस्तों, ये थर्मल पावर स्टेशन है जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखे जम्मू कश्मीर में कहां पे, तो राजौरी का नाम सुना होगा, राजौरी। राजौरी में पड़ता है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन। मुकर्थी शिखर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, यहां बड़ा डाउट करेंगे आप, गूगल सर्च करेंगे तो आपको एकदम अलग मिलने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि याद रखिए दोस्तों, मुकर्थी जो पीक है, यहां पे आपसे परीक्षा पूछा है शिखर, शिखर को इंग्लिश में पीक कहा जाता है, पीक, पीक पीक माने चोटी। ये दक्षिणी पश्चिमी घाट जो पर्वत है वहां पर दोस्तों ये सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है, मतलब सबसे ऊंची तो नहीं बोल सकते हैं, बट वहां की ऊंची चोटियों में से एक है ये मुकर्थी पीक। ठीक है, और मुकर्थी नाम से आपका एक नेशनल पार्क भी वहां बना हुआ है, एक नेशनल पार्क भी हुआ है। ठीक है, एक नेशनल, अगर आपसे पूछे नेशनल पार्क कहां पर है, तो नेशनल पार्क है केरल में। यह कहां पर है? केरल में है। लेकिन अगर मुकर्थी शिखर के बारे में पूछे तो ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। तो परीक्षा में आप जो पूछा गया उसके हिसाब से उत्तर देंगे तो यहां पर तमिलनाडु आपका सही उत्तर बन जाएगा, तमिलनाडु आपका सही उत्तर बन जाएगा। केरल जिन लोगों ने किया है वो गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा होता नेशनल पार्क के बारे में तब आप केरल करते तो सही हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पांच कार्बन वाली शर्करा का उदाहरण है? देखिए पांच कार्बन वाली, पांच कार्बन किसमें है? आप ज्यादातर आप पढ़ते हैं ग्लूकोज वगैरह के बारे में, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? ये छह कार्बन वाले होते हैं। ठीक है, आप पढ़ते होंगे C6, उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो ये छह कार्बन वाले में है। पांच कार्बन वाले में दोस्तों राइबोज आता है, डीऑक्सी राइबोज आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पांच कार्बन वाली, पांच कार्बन वाले में है। ठीक है, पांच कार्बन वाली में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर राइबोज हो जाएगा, राइबोज हो गया, डीऑक्सी राइबोज हो गए, पांच कार्बन वाले होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए, किसी वन की ऊर्जा का परिमाण होता है। अगर यहां मैं ऊर्जा का पिरामिड बता दूं, ऊर्जा का पिरामिड, अगर मैं पिरामिडों की बात कर दूं दोस्तों, तो तीन अलग अलग तरह के पिरामिड होते हैं जिसमें ऊर्जा का पिरामिड भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों संख्या का पिरामिड का नाम सुना होगा। ठीक है, अलग अलग पिरामिड होते हैं। संख्या का पिरामिड दोस्तों ये उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा के पिरामिड की खासियत है कि सिर्फ और सिर्फ सीधा बनता है, कभी उल्टा बनता ही नहीं है। याद रखेगा ये कभी उल्टा बनता ही नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका सीधा होने की वजह से यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? देखिए इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि धीरे धीरे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन की मात्रा बढ़ेगी और क्वालिटी भी उसका बढ़ता जाएगा। तो यहां पर सीधा वाला कर लीजिएगा। अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपने स्टडी 91 को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होने वाली है। एक बार आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, यहां पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट पेपर दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं, जो पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे वीडियो, 3000 से अधिक वीडियो की लिस्टिंग की गई है, जहां आकर के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पूरे विषय फ्री में पढ़ाए गए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री 35 लेक्चर में खत्म है, 35। ठीक है, आ जाओ पढ़ते जाओ। करें गंधक का परमाणु भार कितना होता है? ठीक है, अगर मैं गंधक के परमाणु भार की बात करूं तो परमाणु भार के लिए आपको याद होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नाम सुना होगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके परमाणु भार बनाते हैं। और इसका अगर परमाणु क्रमांक, गंधक माने होता है सल्फर, कंफ्यूजन में क्यों हो, सल्फर, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 16, तो 16 होता है तो इसका न्यूट्रॉन भी हो जाएगा, प्रोटॉन भी हो जाएगा, 16 32 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो 32 हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो गंधक का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अभी आपको पेपर मैच कराना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहां से लेकर चल रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपाती प्रकृति का है? ऊर्ध्वपाती मतलब जो ठोस से डायरेक्ट गैस में चला जाता है, यही ना ऊर्ध्वपाती, जैसे कपूर वगैरह होता है, कपूर होता है, आयोडीन, आयोडीन भी दोस्तों होता है। ठीक है, कपूर हो गया, नेफ्थालीन हो गया, ये सब ऊर्ध्वपाती में आते हैं। लेकिन आपसे पूछा है कि कौन नहीं है, आपसे क्या पूछा है दोस्तों कि कौन नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो नहीं कौन सा है, याद रखिएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या होता है, याद रखिएगा ये ऊर्ध्वपाती नहीं होता। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डेविसन और जर्मर प्रयोग प्रायोगिक पुष्टि प्रदान करता है। दोस्तों ये बड़ा स्पेशल है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री में दोस्तों एक सिद्धांत था ड्री ब्रोगली का सिद्धांत। किसका था? ड्री ब्रोगली का सिद्धांत था, 1924 के आसपास ये सिद्धांत आया था। इसमें ड्री ब्रोगली ने कहा था कि द्रव्य, जानते ना द्रव्य, कि द्रव्य जो है अगर वो गतिशील अवस्था में हो या फिर अगर वह स्थिर अवस्था में, दो कंडीशन हो सकती है, कोई भी द्रव्य या तो गतिशील अवस्था में हो सकता है या तो स्थिर अवस्था में हो सकता है। तो यह बताया था कि कैसा व्यवहार करता है, गतिशील अवस्था में रहेगा तो कैसा व्यवहार करेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा तो कैसा व्यवहार करेगा। और यहां पर यह डेविसन और जर्मन जो है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, विस्तार से इसी बात को बताया था कि
विस्तार से व्याख्या किया था कि ये जो द्रव्य होता है ये कैसा व्यवहार करता है। तो जो डी ब्रोगली का सिद्धांत था ये उन्हीं के सिद्धांत को आगे बढ़ा दिए थे, मतलब उसको प्रायोगिक रूप से उसी को आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो यहाँ डी ब्रोगली वाला कर लीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ बी वाला कर लीजिएगा उत्तर, ठीक है। करा प्रकाश की दोहरी, प्रकाश को दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है, प्रकाश को दोहरी प्रकृति का क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि कभी कभी प्रकाश को तरंगों के रूप में देखा जाता है, कभी कभी प्रकाश को कणों के रूप में देखा जाता है, ये स्पेशली मैं आपको बताया था क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर ए वाला कर लीजिए, वो ज्यादा सही है, ठीक है, क्यों, प्रकाश तरंगों के रूप में भी लिया जाता है, प्रकाश कणों के रूप में भी लिया जाता है। करा दी गई किस आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर बताना हो आपको प्रश्न आकृति तो यहां कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, अरे ऐसे बना लीजिए ना, देखिए ना आपके सामने है यार, ठीक है, प्रश्न आकृति निहित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य से भिन्न विकल्प चुनिए, तोता बत्तख चिड़िया गिद्ध, ठीक है, तोता बत्तख ये उड़ने वाले लोग हैं, ये बत्तख जो उड़ने वाली नहीं होगी, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से अक्षर श्रेणी का अगला पद कौन सा है, तो मैं आपको उत्तर देख के बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने इस पेपर को सॉल्व नहीं किया है, ओ बटा जी उत्तर बताया जा रहा है, तो एक बार आप मैच करा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है बताइए, भारत में बजट कौन तैयार करता है, अभी तो प्रेजेंट करने का काम वित्त मंत्री करते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने इस बार बजट प्रस्तुत किया था 1 फरवरी को, पहले फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश किया जाता था, अब चेंज हो गया मेथड, अब फरवरी के पहले सप्ताह में पहले दिन ही पेश कर दिया जाता है, इसको बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, तो आर्थिक मामलों के विभाग के पास है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में फिजियोलॉजी मेडिसिन, मेडिसिन नहीं होता, मेडिसिन कर लीजिएगा, मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज किसकी खोज के लिए दिया गया, अच्छा अल्टर माइकल का नाम सुना होगा, सुना कि नहीं, अल्टर माइकल का, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों नोबेल प्राइज जो मेडिसिन में था ये 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है, याद रखेगा, और यहां पर जो नाम था पूरा नाम क्या था, अल्टर, मैंने आपको पढ़ाया था अल्टर माइकल राइस, शॉर्टकट मैंने आपको बताया था अल्टर माइकल राइस का, इन्होंने किया था, और हेपेटाइटिस सी कहीं पर दिया है, हाँ यहां दिया है, हेपेटाइटिस सी के वायरस से संबंधित इन्होंने खोज किया था, तो यहां 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार, बहुत बेहतरीन पुरस्कार, बहुत सम्मानित पुरस्कार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, फोटोग्राफी पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार, और इस बार यह पुरस्कार दिया गया सी सुरेश कुमार जी को, किसको दिया गया है, सी सुरेश कुमार, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित है, किससे, टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित हैं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है, ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र, ज्यादातर लोगों ने इसका उत्तर उत्तराखंड किया है, कुछ लोगों ने महाराष्ट्र कर दिया, महाराष्ट्र में खेत को नापने के लिए आया था, उत्तराखंड में अलग चीज आया था, ये ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा, और ये आया था आंध्र प्रदेश में, आप लोग कहां उत्तर गलत करके आए हैं, बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे गलत है करंट से, ठीक है, याद रखे करंट अफेयर का प्रश्न है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप, अभी 2-4 दिन पहले पढ़ाया था, 2-4 दिन, 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था गेम को लेकर, ठीक है, उसमें जाके देखिए साफ साफ बताया हूं कि इस बार का वर्ल्ड कप जो फीफा वाला था वो कहां पर हो रहा है, कतर में हो रहा है, कतर 2022 में, इस बार नहीं 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कतर में होने वाला है, अंडर 17 दोस्तों, अंडर 17 जो होने वाला है वो भारत में होने वाला है, ये भी बताया था, अंडर 20 जो होने वाला है ये कोस्टारिका में होने वाला है, ठीक है, कोस्टारिका, ये सब आपको पढ़ाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो क्या करें बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य में सुरक्षा कवच योजना किसके लिए लाया गया, सुरक्षा कवच योजना दोस्तों, ये योजना लाया गया था महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस योजना को बजट में स्थान दिया गया था भाई, इंपॉर्टेंट है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था सुरक्षा कवच योजना। फरवरी 2020 में लखनऊ में जो डिफेंस एक्सपो हुआ, ठीक है, ये कौन से नंबर का डिफेंस एक्सपो था दोस्तों, ये 5 से 9 फरवरी को हुआ था, 5 से लेकर के 9 फरवरी को हुआ था डिफेंस एक्सपो, ये लखनऊ में हुआ था और 11वें नंबर का था, कौन से नंबर का, 11वें नंबर का था, यहां पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिफेंस एक्सपो, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन नकल, नकल नहीं ऑपरेशन नकेल नाम है, क्या नाम है, ऑपरेशन नकेल, ऑपरेशन नकेल किससे संबंधित है, अब ज्यादातर लोगों ने यहां पर ड्रग माफिया से किया होगा, ठीक है, बहुत अच्छा करके आए हैं और आपको एक नंबर नहीं दिया जाएगा क्योंकि ड्रग माफिया इसका उत्तर नहीं है। ऑपरेशन नकेल दोस्तों ये ऑटो रिक्शा से संबंधित है, ठीक है, ऑटो रिक्शा जो अभी रजिस्ट्रेशन जो लोग नहीं कराते हैं उनको हटाने के लिए ये ऑटो रिक्शा से संबंधित एक ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन नकेल, ताकि ट्रैफिक जो जाम होता है जो अनायास का गाड़ियां लेके चल रहे हैं, ठीक है, या अनायास का नहीं जो बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ियां उनके लिए स्पेशली बनाया गया था ऑपरेशन नकेल चलाया गया, ये सी वाला उत्तर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, कुछ लोगों के मन में तो इंडिया डिवाइडेड था, अब कुछ लोगों के मन में द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, एक किताब और है द मैन हु डिवाइडेड
डिवाइडेड इंडिया, ये किताब ये भी है, ठीक है, हु डिवाइडेड इंडिया। तो दोस्तों दोनों लोग अलग अलग किताब के लेखक है, ये अलग किताब वो अलग किताब है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया अगर आपसे परीक्षा में पूछता तो रफीक जकारिया का नाम सुना होगा, रफीक जकारिया, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहां आपसे पूछा था इंडिया डिवाइडेड, तो इसको लिखा है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों गलती की है भाई मेरे, बताओ जल्दी से, गलती क्यों होती है? अगर रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो गलती तो होगी नहीं, बताइए। रेगुलर पढ़ते हैं रहते तो शायद ये प्रॉब्लम ना होती, और आपको स्टडी 91 पर रेगुलर चीजें दी जाती हैं, आप पढ़ो ना पढ़ो ये आपकी मर्जी है। 1 दिसंबर से दोस्तों विशेष बैचेस चलने वाली हैं और सब फ्री चलने वाली है, यूट्यूब पर फ्री बैचेस आने वाली, 1 दिसंबर को याद रखेगा। करे कौन सा टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है? पलामू टाइगर रिजर्व कहां है? झारखंड में। वाल्मीकि कहां है दोस्तों? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां है? ये बिहार में है। मानस कहां पर है? यह असम में, एक सिंह वाले गंडा यहीं पर है। इंद्रावती कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलामू आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़िए। करेक्ट, कौन सा एक लैगून झील का उदाहरण है? लोगों ने अपने मन से चिल्का झील कर लिया, चिल्का झील कभी नहीं होगा। लैगून झील किसे कहते हैं? जो समुद्र, जैसे मान लीजिए भारत का यह क्षेत्र था, ठीक है, यह भारत है और यहीं पर देखिए ये किस तरह से पानी आके जमा हो गया, ठीक है, तो यह लैगून झील होता है, ठीक है। और इस झील का उदाहरण क्या है? एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों, सॉरी चिल्का नहीं, चिल्का तो सही उत्तर है, चिल्का सही उत्तर हो जाएगा, सांभर उत्तर नहीं होगा, चिल्का आपका राइट आंसर है। चिल्का एक लैगून झील है, ठीक है, और यह पड़ता आपके उड़ीसा में। कहां पर है? आपके उड़ीसा में। सांभर कहां है दोस्तों? सांभर झील, ये नमक के लिए बड़ी फेमस झील है, राजस्थान में है। डिडवाना भी राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है ये? ये हिमाचल में है। कहां पर है? हिमाचल में, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, लैगून झील। करा पेरू की राजधानी क्या है? पेरू दोस्तों देश है, पेरू दक्षिण अमेरिका का देश है, और पेरू की राजधानी लीमा। पेरू क्या है? पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। ये तो आसान क्वेश्चन था, तो लीमा आपका सही उत्तर हो जाएगा, पेरू की राजधानी लीमा। लानकला दर्रा भारत के भारत में कहां पर स्थित है? देखिए लानकला दर्रा दोस्तों ये भी चर्चा में भी आया था, ये अक्साई चीन वाले क्षेत्र में। कहां पर है ये? अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर है, ठीक है, और अक्साई चीन कहां पर है? ये आपके लद्दाख में है। तो लद्दाख आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, लानकला दर्रा ये लद्दाख में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, यहां पर ब्लैक फॉरेस्ट, देखिए अगर मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, ब्लैक फॉरेस्ट को अलग कर दूं और ब्लैक माउंटेन को अलग कर दूं, ब्लैक पर्वत को अलग कर दूं, ठीक है, ब्लैक पर्वत को अलग कर दूं, तो दोनों का उत्तर बदल जाएगा, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों ये जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? जर्मनी में है। और ब्लैक पर्वत कहां पर है? आपके यूएसए में। यूएसए में कहां पर? ये कैलिफोर्निया में है। ये कहां पर है? ये कैलिफोर्निया में है। तो आप बताओ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या किया जाए, ठीक है। याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत भी इसको लिखा जाता है, तो ये जर्मनी आपका सही उत्तर होगा। जर्मनी नहीं दिया है, ये पूरा का पूरा महाद्वीप दे दिया, तो यूरोप महाद्वीप आप इसके लिए सही उत्तर कर लीजिएगा। लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या इस क्वेश्चन पे भी आपत्ति दी जा सकती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? यूरोप आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी में है तो यूरोप हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल की घटना थी 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग। क्यों हुआ था? क्योंकि डॉक्टर सैफुलद्दीन कुचलू और सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, जिसके लिए लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। उसी समय रॉलेट एक्ट आया था जिसे काला कानून कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वह बिना वकील बिना दलील का कानून था। उसके माध्यम से अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, और इसी दो बड़े पंजाब के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए यहां पर एक आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां पर माइकल ओडायर ने गोलियां चला दी थी। इसी माइकल ओडायर को मारने के लिए उधम सिंह ने कसम खाया और उधम सिंह ने लंदन में जाकर के माइकल ओडायर की हत्या किया 1940 में, ठीक है, याद रखेंगे। फिलहाल आपसे पूछा जलियांवाला बाग कांड, 1919 हो जाएगा। चौरी चौरा पूछता तो वो हो जाता 1922। यहां पर क्या हुआ था? यहां पर चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग। और 1917 में तो कुछ नहीं कर सकते, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, 1917 में क्या हुआ था बताइए? एनी बेसेंट ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, या चंपारण हुआ था यार इस समय, चंपारण हुआ था, ठीक है, सब याद करो यार, बच्चों वाला क्वेश्चन पढ़ना थोड़े पड़ता है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? अशोक के अभिलेख दोस्तों दो तीन भाषा में लिखे गए हैं, किसमें? तो कुछ अभिलेख जो भारत से मिले वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं, कुछ खरोष्ठी भाषा में लिखे गए हैं, कुछ आर्मेइक में लिखे गए, किसमें? आर्मेइक में लिखे गए। आप देख लो परीक्षा में पूछा क्या जा रहा है। यहां पर क्या है? ब्राह्मी कर लीजिएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि तमिल
संस्कृत देवनागरी का कोई मतलब नहीं। देवनागरी तो अब आया जो हम लोग लिखते हैं, ये देवनागरी है, ठीक है, तो देवनागरी लिपि है, तो यहाँ ब्राह्मी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत में निम्न से प्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था, पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था कब, 1798 ईस्वी में, किसने किया था, तो हैदराबाद के निजाम ने किया था, किसने किया था, हैदराबाद के निजाम ने किया था, ठीक है, यह सबसे पहले किया था 1798 में। 1799 में दोस्तों आपको पता होगा टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, चतुर्थ आंग्ल कर्नाटक युद्ध चल रहा था, आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था चतुर्थ नंबर का, उसमें 1799 में टीपू की मृत्यु हो गई और उसके बाद मैसूर भी इस सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, ठीक है, और इसी क्रम में लोग आगे बढ़े। अवध का नाम दोस्तों 1801 में आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है, बाजीराव पेशवा तो कहिए मत। यहां पर हैदराबाद के निजाम करिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है, हैदराबाद का निजाम ये 1798 में सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला शासक था, ठीक है, तो ये हो जाएगा। पंडित रमाबाई, पंडित नहीं होगा दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ, पंडिता होगा, क्या होगा, पंडिता कहा जाता है, पंडिता स्त्रीलिंग है ना, तो पंडिता बोलेंगे, पंडिता रमाबाई, दोस्तों पंडिता रमाबाई, इनको कलकत्ता विश्वविद्यालय की तरफ से दोस्तों ये उपाधि दिया गया था पंडिता का। इनकी एक और उपाधि थी, इनकी जो उपाधि थी दोस्तों, एक और उपाधि थी, इनको सरस्वती का उपाधि भी दिया गया था, इतना टैलेंटेड थी, ठीक है, बचपन से ही सारे श्लोक इनको जवान पे रटे थे। ये महाविदुषी महिला थी संस्कृत भाषा की, ठीक है, लेकिन जीवन का अंतिम समय में ये ईसाई भी बन गई थी, ये बड़ी बात है दोस्तों, क्या बन गई थी, ईसाई भी बन गई थी, खैर ये अलग बात है, ठीक है, बट आप याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को मजा आया होगा, हिंदी का और जीएस का पेपर काफी आसान था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप नहीं कर पाते, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करने की जरूरत है। यूट्यूब पर ऐसे दौड़ने भागने से कुछ नहीं होता, और वैसे भी यूट्यूब पर दोस्तों स्टडी 91 के अपने आप में बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अभी हम पहुंचने वाले हैं 26 लाख की तरफ, ठीक है, 26 लाख की तरफ पहुंचने वाले हैं। अब 26 लाख लोगों का अगर भरोसा स्टडी 91 पर है, इसका मतलब है कि इस चैनल में पढ़ने बहुत कुछ दिया गया। हमारा जो टारगेट अभी तक चल रहा था दोस्तों, वो यही चल रहा था कि आपको सभी विषय डिटेल से पढ़ा दिए जाएं, और लगभग सभी विषय आपको डिटेल से दे दिए गए हैं, ठीक है। इस समय दोस्तों बहुत सारी नई नई क्लासेस चल रही हैं, आप स्टडी 91 पर आइए या एक बार एप्लीकेशन पर आइए, आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। मैथ की 100 क्लास की लिस्ट पड़ी हुई दोस्तों, आप किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं, सिविल परीक्षा तक की पूरी तैयारी आप स्टडी 91 के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाके कमेंट पढ़िए, आपको कमेंट पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि नहीं यहां पर बेहतर दिया जाता है या फिर क्या है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं वो देख लें आगे, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।